मार्गदर्शन बिहार विशेष क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम जानते हैं 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस को पूर्व में रखकर एक विशेष क्विज श्रृंखला बिहार के से जुड़ा विषय पर शुरू किया गया मंथन के द्वारा, और आज उस कड़ी की यानी उस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। और हमारे बीच आखिरी प्रतिभागी के रूप में है कुमारी दीपा। बहुत बहुत स्वागत है दीपा। दीपा, बिहार विविध यानी आज का जो विषय हमारा विविध विषय है, इसमें किसी से भी प्रश्न आपसे बिहार से जुड़ा पूछा जा सकता है। पहला सवाल आपसे है पटना में एक स्टेडियम है, आप जानते हैं उस स्टेडियम का नाम? जानती हैं? भूल रही है, थोड़ा मैं ही याद करा दूं, मोइनुल हक स्टेडियम। पटना में जो स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1993 ईस्वी में खेला गया था। आपको बताना है किन दो देशों के बीच में यह मुकाबला हुआ था, ऑप्शन ए केन्या जिम्बाब्वे, बी श्रीलंका जिम्बाब्वे, सी जिम्बाब्वे बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी श्रीलंका जिम्बाब्वे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में हुआ था, बिल्कुल दिया है। मैं अपने श्रोताओं को ये जानकारी दूं कि मोइनुल हक के स्टेडियम में ज्यादा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हुए हैं, लेकिन 1993 ईस्वी में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में मैच हुए थे। वहीं जब 1996 में भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा था तो उस समय एक मैच वहां हुए थे। सवाल आपसे है इसी से जुड़ा हुआ कि मोइनुल हक स्टेडियम में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं अब तक, कुल कितने अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं दिवसीय क्रिकेट के लिहाज से? 1, 3, 2, 4। ऑप्शन सी दो। दो दो हुए हैं, उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है भारत के राष्ट्रपति बनने वाले वो कौन से व्यक्ति हैं, कौन से राष्ट्रपति हैं जो बिहार के राज्यपाल रहते हुए, बिहार के राज्यपाल यानी जिस समय वो राष्ट्रपति के लिए चुने गए उस समय बिहार के राज्यपाल थे, ध्यान में रखते देख सुनिएगा, बिहार के राज्यपाल रहते हुए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन, गोपाल कृष्ण गांधी। ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। आप ये जानते हैं कि राष्ट्रपति साहब का ये कार्यकाल पूरा हो रहा है इसी वर्ष, रामनाथ कोविंद जी का जो राष्ट्रपति अवधि है वो पूरा हो रहा है और फिर से भारत को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा, जानेंगे उसके बारे में हम बाद में। अगला सवाल आपसे है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है चार प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली, भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भारत बिहार से गुजरने वाला कौन सा NH है जो बिहार से गुजरता है और इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का अंग है? NH31, NH77, NH2, NH85। NH2 है जो दूर जोड़ने का काम कर रही है, यानी चार महानगरों में से NH2 इन महानगरों के यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में अपनी भूमिका निभा रहा, बिल्कुल सही कर दिया है NH2 का। अगला सवाल है बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 101 103 104 101 101 अनुमंडल है। पटना में एक गोलघर है, गए हैं कभी पटना जी? गोलघर पे चढ़े हैं? चढ़े नहीं, देखें। पटना में गोलघर को अगर आपने देखा है तो अगर आपको बताना यह है कि जिस समय पटना में गोलघर का निर्माण हुआ उस समय भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, किस गवर्नर जनरल के समय में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन सोर, कॉर्नवालिस हार्डिंग। ऑप्शन सी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर है, कॉर्नवालिस के समय हुआ था। श्रेयसी सिंह, वाह नाम सुने हैं श्रेयसी सिंह का जी? जी वाह, आपको बताना है किस खेल से संबंध रखती है श्रेयसी सिंह? तीरंदाजी, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट? शूटिंग से। श्रेयसी सिंह शूटर है, जबरदस्त शूटर, बिल्कुल सही। और अगला सवाल आपसे है पहला बौद्ध संगीति भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण लेने वर्ष 483 ईस्वी बीसी में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, सब्बाकामी ने, मोगली पुत्र दिस्स ने, इनमें से किसी ने नहीं।
महाकश्यप। महाकश्यप ने, करेक्ट आंसर है। भगवान महावीर का, भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? वैशाली, पावापुरी, राजगृह, पटना। ऑप्शन बी पावापुरी। पावापुरी में, पावापुरी में महानिर्वाण परिनिर्वाण को प्राप्त हुए महावीर पावापुरी में। बिहार में सबसे अधिक किस बैंक की शाखा है? किस बैंक की शाखा बिहार में सबसे अधिक है? पीएनबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। यानी एसबीआई की शाखा सबसे अधिक है बिहार में। सही उत्तर दिया है, एसबीआई की शाखा सबसे अधिक है। अगला सवाल आपसे है, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला स्कूल, जिला स्कूल खोला गया था कहाँ? मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, पटना में, रांची में? पटना। पटना में सही उत्तर है। बिहार में शिक्षा से जोड़ने के लिए संकल्प योजना किस उम्र के बच्चों के लिए शुरू की गई है? संकल्प योजना किस उम्र के बच्चों के लिए है? 0 से 6 वर्ष की, 6 से 14 वर्ष की, 15 वर्ष से अधिक, 10 से 15 वर्ष? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष करेक्ट आंसर है। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40, 54, 44, 46? ऑप्शन है 40। 40 करेक्ट आंसर है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एमएन रॉय, सुभाष चंद्र बोस? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर है। डोमकच का नाम सुने हैं जी? अच्छा, डोमकच क्या है? डोमकच क्या है? ऑप्शन ए भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य, महिला प्रधान नाट्य है, भाई बहन आधारित नाटक है, मुस्लिम समाज का लोक नृत्य है? ऑप्शन बी महिला प्रधान नाट्य। महिला प्रधान नाटक है डोमकच, करेक्ट आंसर दिया है। पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है? पटना, दानापुर, बाढ़, फतुहा? फतुहा। फतुहा करेक्ट आंसर है। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी? पटना, वैशाली, तिरहुत, सिमरावगढ़? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ करेक्ट आंसर है। बक्सर का युद्ध सुने हैं? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 3 सितंबर 1764, 23 सितंबर 1761, 24 जून 1764, 24 जून 1761? 3 सितंबर 1764। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था 3 सितंबर को। खास बात थी कि 3 सितंबर को 3 महारथी एक तरफ थे, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मिर्जा सिम और भारत के सम्राट यानी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह सॉरी शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह शुजाउद्दौला, मिर्जा सिम, तीनों की संयुक्त सेना 3 सितंबर को प्रहार हो गई थी उनकी। चलिए, प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? मां मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर, मधेपुरा, गोपालगंज, भोजपुर? ऑप्शन ए कैमूर। कैमूर करेक्ट आंसर है। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, रामपाल? देवपाल। देवपाल इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक पत्रिका थी सर्च लाइट, सॉरी अखबार था सर्च लाइट, आपको बताना है इसको किसने निकालना आरंभ किया था, यानी सर्च लाइट की शुरुआत किसने की थी? अली इमाम और मजहरुल हक, सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, महेंद्र प्रसाद? ऑप्शन बी सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, सदाकत आश्रम जिसमें सदा के लिए सो गए थे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहीं अपने उन्हें अंतिम सांसें ली, आपको बताना है उसकी स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, फखरुद्दीन? ऑप्शन बी मजहरुल हक। मजहरुल हक करेक्ट आंसर है। मैं अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह वही जगह था जहां राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने अंतिम समय को व्यतीत किया था, अपने जीवन के अंत में यही रहते थे। बिहार के किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी?
1857 का विद्रोह बिहार में किसान आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय, बंग भंग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय और श्री गंगा शरण सिंह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय सही उत्तर है। अगला, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? स्वामी सहजानंद, श्री यदुनंदन भरत शर्मा, श्री गंगा शरण सिंह, सूर्यनाथ चौबे। ऑप्शन डी सूर्यनाथ चौबे। सूर्यनाथ चौबे करेक्ट आंसर है। 25वां प्रश्न आपसे है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है, नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलने वाली बिहार की बिहार का जिला है गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। पश्चिमी चंपारण इज द राइट आंसर। 25 में से 25 का सही उत्तर दिया है। 26वां प्रश्न आपसे है, बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया किस जिला में स्थित है? जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय। जमुई बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है, पहेली की सहेली नाम से किस राज्य के प्राथमिक स्कूलों में क्लास चलाई जाती है? पहेली की सहेली नाम से किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी? बिहार करेक्ट आंसर है। 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले बिहार के हस्ती हैं। 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले बिहार की हस्ती हैं आनंद कुमार, रवीश कुमार, नीतीश कुमार, मीरा कुमार। रवीश कुमार करेक्ट आंसर है। बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया? पटना, गया, दरभंगा, मणिपुर। पटना करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है जो 30वां प्रश्न आपसे होगा, कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए बिहार सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? इसमें से आरोग्य सेतु, संजीवन, रामबाण, COVID-19। ऑप्शन डी संजीवन। संजीवन इज द राइट आंसर। इसके साथ 30 में से 30 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया और हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।